अपनी राजनीति में आने का क्या? मजदूर तबके के घर से हूँ, मेरे फादर खत्म हो गए तो मेरे पास परिवार चलाने के लिए कोई चारा नहीं था। मैं कोचिंग दे करके, ट्यूशन दे करके उसी से जो अर्थ मिलता था, अपने भाई की पढ़ाई, अपने बहन की पढ़ाई और पूरे परिवार माँ की देखरेख करना, ये करता था। और मेरे पिता कभी लोन लिए थे बैंक से, इसी बीच जो है लोन का आरसी हो गया। जब आरसी हो गया तो बैंक वाले कहे कि आपका घर जो है हम कुड़ कर लेंगे, कुड़क समझ रहे हैं, हाँ, कैप्चर कर लेंगे कुड़की। हमारे यहाँ मिश्रेन यादव जी थे, सांसद थे, मैं उनके पास गया निडर होकर, क्योंकि बोलने में कभी मैं पीछे नहीं रहा। तो जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा बाबूजी मैं प्रदीप कोरी, मेरे पिताजी नहीं हैं और हमारा आरसी हो गई है, हमारे एक पिताजी लोन लिए थे और कुछ मदद करा दीजिए कि कैसे होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या हमसे पूछ कर तुम्हारा बाप लोन लिया था, हमसे पूछ कर मर गए थे क्या? उसी वक्त मुझे लगा कि राजनीति बहुत गंदी हो गई है, राजनीति बहुत गंदी हो गई है, अगर अब इस राजनीति में हमको जाना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में हमने जो है लोगों को गांव-गांव में जा करके, वो फैजाबाद से शुरुआत किया, गांव-गांव रात भर चिराग जला करके हम लोग जो है मीटिंग किया। अगर आप लोग खुद खड़े हो जाएं, केवल मुंह से बोलने लगे, जिस दिन आपकी आवाज़ निकलने लगेगी तो हमको किसी दूसरे लीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने इस बात को सिखाया लोगों को कि आप आइए और देखिए। लोगों गांव-गांव जा करके रात रात भर मीटिंग किया और लोगों को इतना कहा कि केवल कुछ नहीं कर सकते हो तो अपना नाम केवल बताइए, हम कौन सा पेशा करते हैं, मजदूरी करते हैं वही बताइए। बेसिक स्तर पर काम नहीं हुआ है, मैं इस बेसिक स्तर पर काम कर रहा था तो, और अन्य समाज में सारे समुदाय के लोगों ने हमको अपनाया, तो इसलिए एक संगठन चलाया, उसका नाम दिया अखिल भारतीय युवा कोरी समाज, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष बना और मैं लगातार लोगों के बीच में जा कर के उनको जगाने का काम किया। देखते देखते 10 बरस हो गए, मैंने कोई जो है आर्थिक कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, बस छोटी सी दुकान से जो है, मोबाइल और कंप्यूटर की दुकान से जो है मैं इसको जो है करता रहा। 14 तो दिन में आप दुकान में रहते थे और रात में आप संगठन का काम करते। जी जी जी। बीएसपी को दलितों की पार्टी मानी जाती है, तो ऐसे में आपने एमआईएम को क्यों चुना है? एक तो मुझे दो दलित वर्ड से मुझे बड़ा नफरत है, मैं इसको बोलता हूँ अनुसूचित जाति, क्योंकि संवैधानिक भाषा में अनुसूचित जाति लिखा है, इस कारण हमने एमआईएम को चुना। इतना बरस हो गया, आज तक किसी भी जनरल सीट पर एक जो है अनुसूचित जात को, एक शेड्यूल कास्ट को किसी पार्टी ने आज तक उतारा नहीं है। जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जितने जो है मुस्लिम हैं, हम मिल करके सामान्य सीटों पर भी कब्जा जमाएंगे। और अब क्योंकि हम उस समाज से हैं जहाँ से दर्द झेला है और हमने दर्द झेला है तो उसका निवारण भी हम ही जानते हैं। आज बड़ा वो लगता है, गरीबी क्या देखा है राहुल गांधी ने? क्या कभी गरीबी देखा है? सोनिया गांधी ने गरीबी देखा है? जिसने गरीबी नहीं देखा वो गरीबी निवारण की बात करता है। एमआईएम पार्टी ने आपको कैसे चुना? लगभग हमारे यहाँ 2.5 लाख कोरी हैं और मेरे मीटिंगों में, मेरे सम्मेलनों में अथाह भीड़ होती है, 10,000, 15,000, 20,000 की भीड़ निकल के आती थी। और जब बोलता था, जो थीम देता था, लोग सुनने आते थे। उसमें लगा कि ये भाई जो इंजीनियर इरफान है, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं एमआईएम के, इनको लगा अगर ये व्यक्ति हमारे पार्टी से खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से जीत के मुकाम तक पहुंचेंगे। मुझे भी इरफान भाई की बात ठीक लगने लगी। धीरे धीरे चुनाव, मिश्रेन जी की डेथ हो गई, बाद में ये हुआ कि आपको मैं चुनाव लड़ाऊंगा। काफ़ी दिनों तक उधेड़बुन में हम लगे रहे क्योंकि हमने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ना मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा था। उन्होंने कहा जब तक आप संवैधानिक पदों पर नहीं पहुँचेंगे अपने समाज को कैसे कुछ दे सकते हैं? ये बात मुझे समझ में आई। हमारे इस समाज के बहुत से लोग लगे कि पैसा नहीं है, कैसे लड़ पाएगा चुनाव, और जो है चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग के पास जो व्यवस्था बनी, किसी ने तेल दिया, किसी ने गाड़ी दिया, किसी ने जो है चावल दिया, इसी तरीके से चुनाव भी लड़ रहे हैं। अपने जीवन में मैं
32 सालों में पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूँ कि जहाँ जाइए वहाँ मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलता है और आशीर्वाद देते हैं। आपके चुनाव का एजेंडा क्या है? हमारे चुनाव का एजेंडा, हम मूल, मैंने कहा मैं बहुत पीड़ित समाज से हूँ, हमने सब दर्द देखा है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में आग लग जाती है, गांव में क्या है कि 56 में आग लगी, पूरा का पूरा गांव जल गया। हम फायर ब्रिगेड 100 नंबर फ़ोन करते हैं, ज़िले से आने में उसको 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है और तब तक तो पूरा गांव खाक हो जाता है। अगर मैं, मुझे समाज चुन रहा है, हमारा एजेंडा है कि हम पंचायत स्तर पर फायर ब्रिगेड को खड़ा किया जाए, पंचायत स्तर पर, जिससे जान माल और जो है धन की क्षति ना हो किसी की। दूसरा एजेंडा हमारा है कि आपने देखा होगा खुद ही कि अगर किसी व्यक्ति की किसी कारण जो है मौत हो गई, बाई एक्सीडेंटल हो गई, बाई कोई गोली से किसी गोलीकांड हो गया, उन पोस्टमार्टमों में क्या होता है कि जब तक 4 नहीं बजेंगे दूसरे दिन तब तक पोस्टमार्टम नहीं होता। जिस घर का व्यक्ति मरता है ना, वो उस लाश को रखाता है, रखवाली करता है और तब तक उसको झेलना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। उसके बाद इंतज़ार करिए, डॉक्टर नहीं आता, फिर 4-5 बजे वो आकर के चीर फाड़ करके चला जाता है, फिर छोड़ कर, तो लोगों को संस्कार करने में बहुत दिक्कत आती है। हमारा एजेंडा है कि अगर समाज जो चुन रहा है, हम पहले 24 घंटा कभी भी अगर जाता है, उन जो भी लिखा पढ़ी का समय लगता है उतने समय में डॉक्टर उपलब्ध हो और जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम तत्काल किया जाए। तीसरा एजेंडा हमारा, गांव में जो पढ़ाई नहीं होती है, जो सरकारी स्कूल हैं, इसके लिए हम खुद गांव में पढ़ा रहे हैं, 5 जगह पर मैं पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे जैसे बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, वो बोलते हैं कि, उनसे जब पूछता हूँ क्या कर रहे हो भैया, तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ। मैं पूछता हूँ क्यों खाली बैठे हो, अपना समय जीवन में आए हो तो आपका जीवन कम हो रहा है, अगर ग्रेजुएशन किए हो तो ज़रा सा 2 बच्चों को पढ़ाना आप शुरू करिए, तो 2 से 4, 4 से 5 फिर उनको पढ़ाने का तरीका बताते हैं। आज जो है गांव में 5 जगह पर हमारे 20-20, 30-30 बच्चे बहुत अच्छे, जो प्राइमरी के हैं, सरकारी स्कूल के हैं, वो इंग्लिश मीडियम से कम उनको जो है आता नहीं है। तो फ्री एजुकेशन इस तरीके से, जब जिस दिन 16 को हम विधायक होंगे, 16 के बाद 17 को खुद मैं चाक पकड़ूंगा और जाऊंगा, अध्यापक को बताऊंगा, देखिए आप मेरे समाज के नाते आपको 40,000 मिलता है, और 40,000 मिलता है तो आपका पढ़ाने का दायित्व है और पढ़ाया ऐसे जाता है, और 10 से जो टाइम है आपकी ड्यूटी है उतने टाइम पर मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो आप स्कूल मत आइएगा और नहीं ड्यूटी नहीं करने दूंगा। चुनाव प्रचार की रणनीति क्या है आपकी? चुनाव प्रचार की रणनीति है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति 100 लोगों को निमंत्रण देता है, हमने 500 लोगों को चुना है कि भैया 500 लोगों को आप बता दीजिए कि MIM का झंडा है, उसका निशान जो है पतंग है, प्रदीप कुरी जी उसके उम्मीदवार हैं, और बिना किसी, सबसे कम प्रचार में, सबसे कम खर्चे में ये दिखाऊँगा कि चुनाव कैसे जीता जाता है, और इसको मैं फिर जो है अपने निर्वाचन आयोग को बताऊँगा, देखिए चुनाव ऐसे जीता जाता है, हमारे लोगों की तरह लाइए चुनाव में, और सरकार का और आम जनता का पैसा बचे और फालतू के प्रचार और माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव का पूरा नाम बताओ। मैं ग्राम नंदी ग्राम भरतकुंड मूसेपुर। अच्छा, यहाँ का नाम है। और कितने लोग हैं? लगभग 1100 से 1200 लोग हैं यहाँ पे, और जिसमें से 30% आबादी कोरी की है और 30 से 40% आबादी मुस्लिम के हैं, और अदर बिरादरी जो हैं इसमें और सब ही आते हैं, सामान्य जाति के। अच्छा, तो और पार्टी के लोग प्रचार के लिए आए हैं? जी, और भी पार्टियां आई थी लेकिन उनके चांसेस थोड़ा कम है, इसलिए कि BSP अपने कैंडिडेट्स उतार नहीं रही है, और कोरी जी जो हैं OBC से मिलने के बाद में, OBC की पार्टी से टिकट पाने के बाद में इनके चांसेस ज़्यादा है प्रदीप जी के। जी, और मानिए कि ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है, इंशाल्लाह सफल रहे, हम भी चाहेंगे, तो आगे क्या? विधानसभा चुनाव आगे, नेक्स्ट विधानसभा चुनाव नेक्स्ट जो 2017 में है,
2017 में लोग MIM के लिए वोट मांगेंगे, हम नहीं मांगेंगे। एक साल में पता चल जाएगा विधायक होता क्या है। विधायक का लोग स्वागत करते हैं कि विधायक लोगों को स्वागत करना चाहिए, दोनों में फर्क है।